जय सियाराम मित्रों, हमारे YouTube चैनल धर्म जिज्ञासा में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर के चलेंगे अंबेडकर नगर के एक बहुत ही पुण्य तीर्थ स्थल में, जिसका नाम है गोविंद साहब। जी हाँ मित्रों, ये पड़ता है अहरोली में, गोविंद साहब। आप इस वीडियो में देख रहे हैं एक बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही भव्य बजरंगबली का एक मंदिर। हम आपको बता दें, ये दृश्य महाशिवरात्रि का है। इस वर्ष की महाशिवरात्रि हम लोगों की गोविंद साहब में बीती। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं गोविंद साहब का एक तीर्थस्थल। यहाँ से इस बजरंगबली के मंदिर से आपको एक बड़ा ही अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। ये एक तालाब कह सकते हैं या एक पोखरा जैसा, यहाँ पे सभी स्नान करते हैं जो भी इस तीर्थ पर आते हैं। यहाँ से जल भरते हैं और जल भर करके महादेव का एक बहुत ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। क्योंकि शिवरात्रि के कारण यहाँ पे आज भीड़ भी बहुत है और जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु लाइन लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, हम भी इस वक्त बेलपत्र एवं पुष्प यहाँ अर्पण कर रहे हैं महादेव के चरणों में। हमारे साथी भी यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से एक हम आपको दृश्य दिखाते हैं पूरे पूरे गोविंद साहब जैसे तीर्थ का। आप देख सकते हैं, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। चारों तरफ भीड़ भाड़ है। आइए आपको लेके चलते हैं गोविंद साहब के उस मुख्य स्थान पे, जहाँ पर हम सभी लोग लालायित थे दर्शन करने के लिए। यहाँ बाबा गोविंद साहब की आप समाधि के दर्शन कर रहे हैं। इस समाधि के पास जो भी भक्त दर्शन करने आता है, यहाँ बाबा उनको भभूति, जी हाँ भभूति निकाल करके प्रसाद स्वरूप देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है जिन अक्षरों में। आइए हम आपको अभी इस स्थान के थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम घंटियाँ बंधी हुई हैं, बड़ा ही भव्य ये समाधि स्थल आपको दिख रहा है। कुछ दोहे लिखे हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इस समाधि स्थल के ठीक सामने एक भजन स्थली बनी हुई है। भजन करने के लिए हम जब यहाँ वीडियो बना रहे थे तो ये बाबा जी ने मना कर दिया कि आप वीडियो यहाँ ना बनाएं। भजन स्थली का आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। आपको दिखाएं ये दोहे लिखे हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और इधर पल पल में पलटू रहे अजपाट हो या। चारों तरफ आपको इसका दृश्य दिखा रहे हैं हम। बड़ा ही चारों तरफ दीवालों पे बहुत अच्छे तरीके से अंकित है यहाँ पे चौपाइयाँ, और हम इसकी अब एक परिक्रमा भी लगाएंगे। आपको लेके चलते हैं यहाँ पे से भी दिखाते हैं एक पूरे गोविंद साहब जैसे इस तीर्थ का चारों तरफ का एक दृश्य यहाँ कैसे दिखता है आपको दिखाएंगे। और बस दोस्तों, यहीं तक हमारा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।